बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में हम जानेंगे कि ये मुख्तलिफ किस्म के सिरप पैनाडॉल और कालपोल में क्या बुनियादी फ़र्क है। बहुत आम यूज़ होने वाली ये दवाई है बच्चों में, तो अगर आप इसका बुनियादी फ़र्क जान लें तो घर बैठे हुए अपने बच्चे को प्रॉपर डोज में दवाई दे सकेंगे। हम शुरू करते हैं पैनाडॉल ड्रॉप से, जो 30 ml की इस तरह की छोटी बॉटल में आता है, और इसके साथ एक प्लास्टिक का ये ड्रॉपर भी आता है। आम तौर पर 1 साल से कम उम्र बच्चों के लिए हम ये यूज़ करवाते हैं। आपकी आसानी के लिए 2 ब्लैक लाइंस इसके ऊपर मैंने ड्रॉ की हैं। ऊपर वाली ब्लैक लाइन फुल ड्रॉपर को शो करती है, जबकि नीचे वाली लाइन 0.4 ml यानी के हाफ ड्रॉपर को शो करती है। दूसरे नंबर पर ये सिरप पैनाडॉल है, जो कि पिंक कलर में आता है, और इसके एक छोटे चम्मच यानी टीस्पून में 160 मिलीग्राम पैरासीटामोल दवाई मौजूद होती है। ये 1 से 5 साल की उम्र के बच्चों में यूज़ करवाते हैं। कैमरा इसे क्लियर नहीं दिखा पा रहा। तीसरे नंबर पर ये ब्लू कलर का पैनाडॉल फोर्ट सिरप है। ये 5 साल से बड़ी उम्र के बच्चों में यूज़ करवाया जाता है। इसके एक छोटे चम्मच में 250 मिलीग्राम पैरासीटामोल दवाई होती है। अंडरलाइन किया हुआ ये आप देख सकते हैं। तो ये 5 साल से बड़ी उम्र के बच्चों में आप दे सकते हैं। इसके ऊपर बच्चे की एज और वेट के मुताबिक ये डोज चार्ट दिया हुआ है। अपने बच्चे की एज देखिए, वेट देखिए, और उसके मुताबिक प्रॉपर डोज बच्चे को दे दीजिए। लेकिन याद रखें, दवाई टीस्पून से देनी है, छोटे चम्मच से। इसके बाद सिरप कालपोल और सिरप कालपोल 6+, इसके एक छोटे चम्मच यानी 5 ml में 120 मिलीग्राम पैरासीटामोल है, और ये भी 4-5 साल से कम उम्र बच्चों में यूज़ करवाया जाता है। 5 साल से बड़ी उम्र के बच्चों में ये कालपोल 6+ इस्तेमाल करवाया जाता है, और उसके भी एक छोटे चम्मच में 250 मिलीग्राम पैरासीटामोल दवाई मौजूद होती है।